180 डिग्री फेस कंट्रोल फॉर SCR। अब इसमें हम 180 डिग्री फेस तक SCR को ट्रिगर करेंगे। वो एंगल जिसपे हमारा SCR ट्रिगर होता है उसे हम फायरिंग एंगल बोलते हैं। अगर हम इसका सर्किट डायग्राम देखें, इसमें एक रेजिस्टर होता है जो कि वेरिएबल रेजिस्टर होता है। ये हमारा डायोड D1 के साथ कनेक्टेड होता है और D1 की जो एन टाइप जंक्शन होता है ये साइड हमारे SCR के गेट के साथ कनेक्ट होता है, जैसे कि 90 डिग्री फेज शिफ्ट कंट्रोल SCR में होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर और एक्स्ट्रा डायोड लगा होता है। SCR के क्रॉस जो वोल्टेज होती है वो एनोड का थ्रोट वोल्टेज होगी और गेट के क्रॉस जो वोल्टेज होगी उसे हम गेट वोल्टेज बोलेंगे और लोड के क्रॉस जो वोल्टेज आएगी उसे हम बोलेंगे लोड वोल्टेज। इसमें क्या हो, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है 90 और 80 डिग्री फेज शिफ्ट कंट्रोल फेज कंट्रोल में, यही एक एक्स्ट्रा पार्ट है। इसमें एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर और एक एक्स्ट्रा डायोड यूज होता है। ये इसका एक्स्ट्रा कैपेसिटर एक्स्ट्रा डायोड और इनपुट से हम AC सप्लाई करते हैं। अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो इसके लोड वेव फॉर्म जो लोड पे आती है उस वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में ये कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज करना स्टार्ट करेगा थ्रू D2 डायोड 2 के थ्रू चार्ज करना स्टार्ट करेगा। ये क्या करेगा कि ये कैपेसिटर चार्ज करा इस टाइम पे D1 क्या होगा, रिवर्स बायस होगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा। जब तक कैपेसिटर चार्ज होगा तब तक D1 कंडक्ट नहीं करेगा और D2 फॉरवर्ड बायस होगा क्योंकि D2 के थ्रू चार्ज कर रहा है और ये नेगेटिवली चार्ज करेगा, ये नेगेटिवली चार्ज करता है। और इसमें जब हमारी पॉजिटिव साइकिल जाएगी उस टाइम पे ये शो कर रहा है हमारा 180 डिग्री, ये 0 डिग्री शो कर रहा था, ये 180 डिग्री शो करेगा। अगर हमारी ये पॉइंट जैसे कि 90 डिग्री में हमने पहले किया है ये वैसे ही है, अगर ये सबसे ऊपर पॉइंट पे होगा तो इस कंडीशन में जब हमारी पॉजिटिव साइकिल जाएगी, जब ये कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज कर जाएगा उस टाइम पे क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा रेजिस्टर के थ्रू, ये इस रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज करना स्टार्ट करेगा और जब ये डिस्चार्ज करेगा उसी से ही हमारे SCR को ट्रिगरिंग मिलेगी। और अगर ये पॉइंट सबसे हाई पोजिशन पे है इसका मतलब कम रेजिस्टेंस है तो करंट ज्यादा फ्लो होगा और SCR जल्दी ही ट्रिगर हो जाएगा। और डायोड वन क्या करेगा, अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा फ्लो होगा और SCR जल्दी गेट पे SCR गेट पे सप्लाई जाएगी और SCR जल्दी से ट्रिगर हो जाएगा अगर ये पॉइंट अपर पे है, यानी कि अपर पॉइंट पे है, रेजिस्टर कम होता है इस टाइम पे, करंट हाई फ्लो करता है और कैपेसिटर तब तक डिस्चार्ज करेगा, या तो वो पॉजिटिव साइकिल की पीक तक डिस्चार्ज करेगा क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है और वो नेगेटिवली थोड़ा स्टोरेज रखेगा, और या तो वो 180 डिग्री तक डिस्चार्ज करता रहेगा जिससे हमारा SCR क्या होगा, ट्रिगर रहेगा और हमें लोड के क्रॉस वोल्टेज मिलती रहेगी। ये लोड वेवफॉर्म ही है हमारी, ये जो हमने वेवफॉर्म शो की गई है ये लोड वेवफॉर्म है। 180 डिग्री तक वो क्या करेगा, डिस्चार्ज होता रहेगा रेजिस्टर के थ्रू और हमें SCR पे ट्रिगरिंग मिलती रहेगी, SCR ऑन कंडीशन में रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हमारा ये पॉइंट जो कि सबसे पहले अपर पॉइंट पे था, इसे पहले हम ये देख लेते हैं, अगर इस पॉइंट को हम सबसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे लगा दें इस टाइम पर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा और करंट सबसे कम फ्लो करेगा, इसलिए SCR को ट्रिगर करने में के लिए काफी डिफिकल्टी आती है। ज्यादातर हम इसको बीच में रखते हैं ताकि हमारा SCR 0 से 180 डिग्री के बीच में किसी भी एंगल पे ट्रिगर हो सके, इसलिए ही इसे 180 डिग्री फेस कंट्रोल बोला जाता है। और ये 0 से 180 डिग्री के बीच में क्या होगा, हमारा SCR ट्रिगर करेगा, जब तक कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा ये सिर्फ तब तक ही होगा, इसके बाद G1 फिर से कंडक्ट करेगा एक पर्टिकुलर एंगल पे और SCR को गेट पे सप्लाई देगा जिससे हमारा SCR ट्रिगर हो जाएगा। और इसमें अगर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी फिर से वही प्रोसेस होगा, D1 रिवर्स बायस हो जाएगा, कैपेसिटर अगेन चार्ज करना स्टार्ट करेगा और D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और जब अगेन पॉजिटिव साइकिल आएगी कैपेसिटर R के थ्रू डिस्चार्ज होगा और SCR को ट्रिगर करेगा। इस तरह से हम 180 डिग्री फेस कंट्रोल करते हैं SCR के लिए और लोड पे हम लोड वेवफॉर्म, ये हमारे लोड वेवफॉर्म है, लोड के क्रॉस हम सप्लाई लेते हैं।